बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तासीर अलमास लाई मकवी खास जोयादार खासर खास हर्बल शादी कोर्स। मायूस लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण। कामयाब अज़वाज ज़िंदगी आपसे चंद कदम के फासले पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मर्दाना कमजोरी क्या है, क्यों आजकल के नौजवान इसका शिकार कम उम्र में हो जाते हैं, इसका इलाज क्या और कैसे इससे अपनी टाइमिंग और शक्ति को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, मर्दाना कमजोरी की चंद अहम वजूहत होती हैं जिसमें अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी होती है। अंदरूनी कमजोरी से मुराद यह है कि मर्द जब जवान उम्र में ही कसरत मुबाशर करता है लेकिन कोई ऐसी कुदरती खुराक नहीं इस्तेमाल करता जिससे इसकी मर्दाना ताकत बरकरार रहे या इसमें इजाफा हो सके। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी मर्दाना कमजोरी में कमी होने शुरू हो जाती है और बैरूनी कमजोरी में शादी से पहले मुजनी या गैर फितरी तर्ज मुबाशर से उसे खास के पुट्ठों में कमजोरी और रोगों में खून की गर्दश का भाव मुतासर हो जाता है जिसकी वजह से उसे तलाश में बहुत से मसायल पैदा हो जाते हैं। मर्दाना कमजोरी का अहम सबब उसे खास की कमजोरी है। मुजनी और गैर फितरी तरीकों से जिनसी लुत्फ हासिल करने से मर्दाना उसे खास पतला सुस्त तो कमजोर हो जाता है। उसे खास पर हृदय उभर आती है जिससे उसे खास में खून की गर्दश अच्छी तरह नहीं हो पाती। इसमें फैलने और बढ़ने की सलाहियत कम हो जाती है जिसके नतीजे में उसे खास टेढ़ा हो जाता है और बार बार की तहरीक और रगड़ से उसे खास के असाब उजलात और रगे कमजोर हो जाती है। बाज़ुकात ऊपर की जिल्द सा हो जाती है, उसे खास इंतशार के आलम में भी नरम और ढीला पड़ जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान जकावतेस सुरतंदाल और इतलाम के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। जरियान के मैंने ये बहना यानी जिस जिसम में से कोई भी चीज बहे खून बहे तो इसे जरियान खून कहेंगे। इसी तरह जो बात है मगर यहाँ जरियान से मुराद जरियान मनी है यानी मादा तुलीद का बिला इरादा बहना सुबह उठने पर पेशाब पखाना करते वक्त जरा सा जोर लगाने से मादा तुलीद का गाढ़ा लेजदार कतरे खारिज हो जाते हैं। जलद अगलामबाजी भी फिर सुरतंजाल इतलाम अह का जरियान जरियान से ये सब इमराज बिल तरतीब पैदा होते हैं। जब कसरत जमा और गलत आदात से मादा तुलीद का बकसरत अखराज होता रहता है तो फिर इसे हमेशा बहने की आदत हो जाती है। मादा का पतला होना जल्द अंजाल होना खरज हो जाना इस ज्यादातर मुबाशत के बाद दखूल से पहले या बाद में बाद दखूल फूल तो फारग हो जाना सुरत अंजाल की इलामत है। नाज़रीन, ज़कावतेस क्या है पहले इसके बारे में बताता हूँ। थोड़ी सी जिनसी तहरीक का ख्याल आने से किसी लड़की से फोन पर बात करने से या मूवी देखने के दौरान या सुबह से कबल बोसो कनार में कच्ची मनी का ज्यादा अखराज होकर शहवत का टूट जाना को जिनसे तहरीक पड़ते हुए मादा मनिया का कतरों का ज्यादा अखराज होना जकावत इसके लाता है। इतलाम क्या है, जैसे ही लड़के बालक होते हैं तो मनी बनने की रफ्तार तेज होती है जिसकी वजह से जिनसी ख्वाहिश में भी इजाफा हो जाता है। अक्सर गैर शादीशुदा लड़कों और वो शादीशुदा लोग जो परदेश की नौकरी की वजह से अपनी बीवी से दूर रहते हैं उन्हें भी इतलाम हो जाता है। नींद की हालत में शहवत से भरपूर मादा तौलीद का खारिज होना इतलाम की बीमारी कहलाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको इसके इलाज बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, जवानी का जिनसी कुव्वत से गहरा ताल्लुक है। जब जिनसी कुव्वत कम पड़ जाती है इंसान कमजोर पड़ जाता है। मौजूदा दौर में पुरानी और फाशी से बिलखसूस नौजवान मुतासर होते हैं। जिनसी इमराज की कसरत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जरियान जकावतेस कसरत इतलाम सुरतंजाल और नमर्दी की शिकायत का लाभ हो जाती है। इससे मरीज का हौसला कमजोर होता है, तबीयत सुस्त रहती है और कमर में दर्द रहता है। इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए आप तासीर अलमास तलाई मकबी खास जोयादार खासर खास हर्बल शादी कोर्स प्लस तिल मुतवल इस्तेमाल करें जिसे इस्तेमाल करने से आपकी बीमारियां और परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। ये कोर्स वो लोग इस्तेमाल करें जिन लोगों को बुरी सुबोध और जवानी में बुरे कामों की वजह से उसे खास में ढीलापन उसे खास का छोटापन उसे खास का पतलापन उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना उसे खास का दरमियान में रिंग्स बन जाना उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर उसे खास की कच्ची कुताई उसे खास की बारीकी नाहमवारी उसे खास की बारीक नसें बेजान या कमजोर हो जाती हैं। इन अफराद के लिए ये कोर्स नेमत है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कमजोरी टाइमिंग का मसला है। हम बस्तीज करने से पहले इनका इंतजार होता है और इस तरह की कमजोरी में या उसे खास छोटा रहता है या फिर उसे खास गलत कार्यों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से छोटा या ढीला रहता है। ये कोर्स आपकी टाइमिंग में इजाफा मनी को गाढ़ा करता है उसे खास की लंबाई और मोटाई में इजाफा करे और आपके उसे खास का ढीलापन टेढ़ापन खत्म करेगा ताकि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का खत्म करता हूँ। मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।